हेलो गाइस, मेरा नाम वैसा मत, वेलकम टू माय चैनल एंड्रॉइड 966। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 थीम्स MIUI की, जिनके अंदर आपको मिलेगा इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से रिलेटेड मेरा चैनल काफी सारा लिंक करता है, यहाँ पे मेरी काफी वीडियोज इससे रिलेटेड है। इससे पहले भी मैंने एक एपिसोड अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने 3 थीम्स बताई थी आपको MIUI की, जिनके अंदर आपको इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है। तो वो आपको काफी पसंद भी आया था। आज उसमें मसला ये था कि कुछ थीम्स जो थी ना, वो मेरे जो यूजर्स थे, जो सब्सक्राइबर्स थे, उनको मिल नहीं थी रही थीम्स, तो काफी उनको ना थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो वो मैंने इश्यूज तो सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ पे थीम्स अब मिल गए हैं। लेकिन मैंने कहा चलो एक ना पार्ट और बना देते हैं, ताकि आपको इजीली आप यहाँ पे इस पार्ट को देखने से ना आपको सारी थीम्स भी मिल जाएंगी और यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि वो तीन थीम्स थी, इसमें 5 थीम्स बताऊंगा, 2 थीम्स यानी एक्स्ट्रा बता दूंगा। तो वो चीज आज की वीडियो में करने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहो, वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो मेरे पास थीम है, आप देख सकते हैं इसका, यहाँ पे आपको इसका होम स्क्रीन यहाँ पे आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसका स्टेटस बार के अंदर आपको यहाँ पे इस तरह का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्टेटस बार। तो यहाँ पे इस थीम के अंदर ये है कि यहाँ पे आपको काफी सारे आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे स्टाइल देखने को मिल जाता है। इस थीम को मैं पहले भी यहाँ पे रिव्यू कर चुका हूँ, तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं यहाँ पर करने वाला, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में इसको रिव्यू किया हुआ है। तो आप वो देख लेना, अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो वो आप देख लेना। बाकी मैं जल्दी से आपको इसकी एनिमेशन दिखा देता हूँ, फिंगरप्रिंट एनिमेशन कैसी है। तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप देख सकते हैं, आप इसको इस तरह का फिंगरप्रिंट देने को मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आप इस तरह करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह की एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये है इस थीम की एनिमेशन। इस थीम के नाम की बात कर ली जाए तो इस थीम का नाम है रियलमी लेगेसी। तो इसके डिजाइनर जो है शिवांक है। तो ये आप ट्राई कर लेना, पहली थीम हो गई। आप बढ़ते हैं सेकंड थीम की तरफ। सेकंड थीम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, ठीक है। आप इसका भी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर काफी सारी वीडियोज बना चुका हूँ। जल्दी से इसकी एनिमेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको एनिमेटेड यहाँ पे एनिमेशन फिंगरप्रिंट की। और ये बाय द वे वॉलपेपर आपको ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि वॉलपेपर मैंने इसका चेंज किया हुआ, इसलिए कुछ इस तरह का आपको लग रहा है वॉलपेपर। ये इसका फ्लावर वाला आएगा, मुझे जरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसका वॉलपेपर चेंज किया था। आप भी कर लेना, मैंने वीडियो बनाई हुई है चेंज कैसे करते हैं वॉलपेपर, तो वो देख लेना अगर आप करना चाहते हो। बाकी इसकी जल्दी से एनिमेशन देख लेते हैं कैसी है। तो एनिमेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, ठीक है। बाकी आपने देख लिया, इसकी भी एनिमेशन एक दफा फिर से दिखा देता हूँ। तो जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, ये एनिमेशन है इसकी। बाकी इस थीम के नाम की बात की जाए तो ये आपको पहले ही पता होगा, इस थीम का नाम रोनिक्स है। तो बाकी इस थीम को आपने डाउनलोड कैसे करना है, ये इस थीम को आपने डायरेक्टली आप डाउनलोड नहीं कर सकते सर्च करके थीम स्टोर पे, तो आपको एक लिंक चाहिए, जो मैंने लिंक मैंने शेयर किया हुआ इंस्टाग्राम पर, मैंने वीडियो बनाई हुई है यहाँ पे, शेयर कर देता हूँ, वीडियो देख लो और रोनिक्स थीम आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो भी आपको मसला नहीं है, थीम स्टोर पे मिलेगी, आपको कोई इशू नहीं आने वाला। तो लिंक आपको चाहिए बेसिकली, वो लिंक मैंने दिया हुआ है, बाकी वीडियो देख लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आ जाना, लिंक वहां पे अवेलेबल है। तो वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये वीडियो तो आप देख लेना, रोनिक्स थीम भी आपको मिल जाएगी। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड थीम की तरफ। सो जो नेक्स्ट थीम है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, यहाँ पे आपको इस तरह का होम स्क्रीन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप इसका यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे आपको स्टेटस बार के अंदर आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है यहाँ पे इंटरफेस। और यहाँ पे आपको मैं ज़रा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़रा टाइम नहीं लगाने वाला, क्योंकि मैंने जो टाइम लगाना है वो आपको लास्ट थीम पे दिखाऊंगा टाइम, क्योंकि वो मैंने थीम यहाँ पे शो नहीं की हुई, इसलिए उस थीम पे मैं टाइम लगाऊंगा। ये मैं जल्दी जल्दी बस आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन दिखाऊंगा। बाकी इनकी डिटेल देखना चाहते हो अगर आप, तो डिटेल के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो मैं सारी वीडियोस का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि क्या क्या है इस थीम के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हो। तो बाकी इस थीम का जो लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह आपको एनिमेटेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो काफी अच्छा सा फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है, एक दफा फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का आपको देखने को मिलेगा स्टाइल, ठीक है। तो बाकी इस थीम की बात करें नाम की, तो जल्दी से आपको इसका नाम दिखा। सो इसका नाम है साइबरपंक 2077, और ये 12.5 पे इम्पोर्टेड है, और इस पर 12 वाला वर्जन भी है। तो अगर ये भी लेना हो और 12.5 लेना हो, तो मुझे ना इसके लिए भी आपको इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पर लिंक अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे आप अगर सर्च करेंगे ये आपको थीम नहीं मिलने वाली, तो इंस्टाग्राम पर ये लिंक, मैं वैसे भी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिया करो यार, कोई आपके लिए फायदा है, उसके लिए मैं वहां पे इंस्टाग्राम पे सारे लिंक शेयर किया कर देता हूँ। जो यहाँ पे थीम्स अवेलेबल नहीं होती, वो सारे इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल करवाता हूँ, तो वहां पे मुझे जल्दी से फॉलो कर लेना। बाकी अभी ये थीम भी होगी, अब नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट थीम की बात की जाए तो ये भी साइबरपंक से रिलेटेड ही है, साइबरपंक वाली है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है।
बाकी सेम ही सेम काम ही करती है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है, इसलिए मैं ये भी यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें इसका जो यहाँ पे स्टेटस बार है, इसके अंदर चेंजिंग है थोड़ी सी। बाकी इसका मैं फुल रिव्यू कर चुका हूँ, आपको उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो लाजमी दे देना क्योंकि ये न्यू थीम है और काफ़ी अच्छे इसके अंदर फीचर्स आपको देने वाले जाते हैं। हम यहाँ पे आज की थीम में बस लॉक स्क्रीन की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन है, तो वो जल्दी से हम देख लेते हैं फिंगरप्रिंट इसका किस तरह का है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको वही देखने को मिल जाता है स्टाइल, ठीक है। तो ये भी थीम आप देख सकते हो, ये थीम आप देख सकते हो। बाकी इस थीम का नाम क्या है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सो इस थीम का नाम है साइबर OOS V12, ठीक है, ये थीम इसका नाम है। तो बाकी अब हम बात कर लेते हैं लास्ट थीम के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे भी शो नहीं की। तो उस थीम का मैंने जो रिकॉर्ड की थी वीडियो, वो मैंने सेपरेट से रिकॉर्ड की हुई है, तो वो ही मैं आगे आपको लगा के दिखा दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही ऐड करूंगा उसको, क्योंकि मैंने सेपरेट ऐड की थी वो, तो पहले सेपरेट रिकॉर्ड कर ली थी, तो अब उसी को मैं चाह रहा था कि सारी थीम्स इकट्ठी हो जाए एक दफ़ा, तो उसी को ही मैं इसके साथ ऐड करने वाला हूँ। तो वो थीम आपको दिखा देता हूँ। थीम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, आप इसका होम स्क्रीन सेटअप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। मेन चीज आपको भी पता क्या है, वो है इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि लॉक स्क्रीन पे है। तो थीम का नाम क्या है, थीम आपको प्ले वहां से थीम स्टोर से मिल जाएगी, वो मैं आपको सर हैंड पे बता दूंगा। अभी आप थीम देख रहे हो, थीम के होम स्क्रीन पे आपको यहाँ पे क्लॉक विजिट काफी बड़े साइज की देने को मिल जाती है और अच्छी लग रही है, मिनिमल सी है। बाकी वॉलपेपर भी इसका ठीक ठाक है। आइकन्स की बात की जाए तो आइकन्स भी अच्छे हैं, यहाँ पे आपको चेंज सारे आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, तो नो डाउट अच्छे आइकन्स हैं। और यहाँ पे अगर सेटिंग्स में चलें, सेटिंग्स के भी सारे आइकन्स यहाँ पे चेंज हैं। तो बाकी यहाँ पे चेंजिंग तो की गई है, आइकन्स वगैरह काफी सारे चेंज हैं। स्टेटस बार की बात की जाए तो स्टेटस बार में कोई चेंजिंग नहीं, और वॉल्यूम स्टाइल के अंदर भी आपको कोई चेंजिंग नहीं देखने मिलती। लेकिन जो मेन चेंजिंग आती है वो हमारी आती है यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे। तो लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेन चीज हमारी आ गई है यहाँ पे, हमारा फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन, ये उस वीवो के फोन्स के अंदर जो आती है ना, वीवो के अंदर, तो उनके ओएस के अंदर जो ये चीज आती है, ये फ्रंट टच ओएस के अंदर ये वाला फिंगरप्रिंट एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये वो चीज बेसिकली आपको यहाँ पे आपके भी इस थीम के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी ऊपर की तरफ जो क्लॉक विजिट है वो भी काफी एनिमेटेड है, और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी आपको दिखाई जा रही है, तो अच्छी थीम है ये। जो जो वीवो को पसंद कर ले तो उनके लिए ये काफी अच्छी थीम होगी, तो क्योंकि ये वीवो वाला स्टाइल आपको देखने मिल जाता है। बाकी इस थीम के अंदर और भी चीजें हैं, यहाँ पे आपको जो चार्जिंग लगाएंगे उसके भी एनिमेशन आपको देखने को मिल जाती है वीवो स्टाइल के अंदर, तो वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। बात कर लेते हैं इस थीम के यहाँ पे नाम की, तो इसका नाम क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। सो इस थीम का बेसिकली नाम है क्लाउड OX, ठीक है, और इसका डिजाइनर है RJ सूरज टेक। तो इनका अपना चैनल भी है यूट्यूब पे, तो आप इनको भी सपोर्ट करें, जाके सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो यही थी यहाँ पे पांच की पांच थीम मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, तो आपको पांचों की पांचों पसंद आई होंगी थीम्स। तो बाकी आपको अब कोई भी कोई कंफ्यूजन हो इंस्टाग्राम पर लाजमी आ जाना, मैं आपका सारे जो सोल्यूशन निकालूंगा प्रॉब्लम्स के। बाकी आज की वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, जो भी आपको लगा हो प्लीज इसको लाइक या डिसलाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको इन पांचों थीम्स में से कौन सी ज्यादा थीम्स अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपने सारी ट्राई की होंगी मुझे, क्योंकि मैंने पहले वीडियो जो अपलोड की थी तो आपने वो उसमें देखा ही होगा, तो आपने ये थीम देखी होंगी इनमें से, क्योंकि लास्ट वाली थीम नहीं देखी होगी, बाकी आपने थीम सारी देखी होंगी। तो बाकी मुझे बताना इनमें से आपको कौन सी थीम ज्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो जो Xiaomi या Redmi या Poco यूजर्स हैं तो उनके साथ शेयर कर देना। और बाकी आप को अगर चैनल पे न्यू हो, पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हो, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के कंटेंट आता है और आगे इससे भी अच्छा कंटेंट आएगा, आगे इस तरह की वीडियोस और आने वाली हैं, और मैं MIUI से रिलेटेड ही वीडियोस ज्यादा डालता हूं अपने चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप MIUI यूजर हो। बाकी सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया वो मुझे लाजमी से फॉलो कर लेना, वहां पे मैं काफी सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ। चैनल ओपन करो, काफी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर पसंद आ जाएगी। तो मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।